अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीद अहमद शेख है और मैं अमराज़ कल्ब का माहिर हूँ और पोस्ट फेलोशिप कर रहा हूँ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी लाइक एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफीज के अंदर। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि जो शुगर है वो कहते हैं ना मीठी बीमारी होती कैसे, हम कहते हैं कि जब भी कोई खुशी का वक्त होता है तो हम कहते हैं यार मिठाई खानी है, मुंह मीठा करना है, लेकिन उस मुंह मीठा करने के चक्करों में हमें मीठे की ऐसी गंदी आदत लग जाती है कि वो मिठास आपके जिस्म के अंदर जहर बन के घूमना शुरू कर देती है। बहुत सारे लोगों को जो मेरी वीडियो सुन रहे होंगे उनको ये मालूम नहीं होगा कि जो शुगर होती है, अगर कोई शुगर का मरीज जिसको शुगर हो जाए और उसके जिस्म के अंदर खून के अंदर शुगर की मिकदार एक मुसलसल तौर पर बढ़ी भी रहे तो उसकी हर चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है, आंखों से लेके बालों से लेके नाखनों और पैरों की नाखनों तक आपकी जिस्म की हर नाली तंग पड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अगर आम किसी आदमी को जिसको शुगर नहीं है दिल का अटैक हो तो उसकी एक नाली बंद होती है, लेकिन अगर किसी शुगर वाले मरीज को दिल का अटैक हो या अगर हम उसकी एंजियोग्राफी करते हैं दिल के अटैक की वजह से तो उसके अंदर एक नाली बंद नहीं होती बल्कि सारी नालियाँ या एक नाली भी अगर बंद हो तो वो भी कई जगह से बंद होती है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ना उसका बाईपास हो पाता है और ना उसकी एंजियोप्लास्टी हो पाती है। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर हम लोग ये अहद करें कि हम मीठे का इस्तेमाल बड़ी एहतियात के साथ करेंगे और हर बेजा मीठा जो आप अवॉइड कर सकते हैं प्लीज़ उसको अवॉइड करें। थैंक यू।